भरत कूप। कहते ये है कि जब भरत जी भगवान रामचंद्र जी अपने बड़े भाई श्री रामचंद्र जी को वापस अयोध्या ले जाने के लिए यहाँ आए हुए थे चित्रकूट, तो वो अपने साथ में पवित्र स्थलों का जल लेकर के आए हुए थे। कई सारे पवित्र स्थल का जल साथ में लेकर के आए हुए थे, क्योंकि उन्हें ये भरोसा था कि वो साथ में रामचंद्र जी को ले जाएंगे और उनका राज्याभिषेक होगा। लेकिन जब रामचंद्र जी ने मना कर दिया, उनके साथ नहीं गए वापस, तो अत्रि ऋषि के कहने पर भरत जी ने एक कुआं खुदवाया वहाँ पर, और उस कुएं में ये जितने भी पवित्र स्थलों का जल लेकर के आए हुए थे वो सारा का सारा जल वहाँ पर उन्होंने डलवा दिया। और वो भरत कूप आज भी देखा जा सकता है, आज भी वहाँ पर जल है। और उस जल का एक बहुत ही मान्यता ये मानी जाती है कि उस जल में जो भी स्नान कर लेता है उसके शरीर के संपूर्ण रोग व्याधि जितने भी होते हैं वो सारे नष्ट हो जाते हैं। जब आप भरत कूप मंदिर जाते हैं तो आपको वहाँ पर चारों भाइयों का मंदिर भी देखने को मिल जाता है। चारों भाई यानी कि राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न का मंदिर भी है।